हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों, यहां पे पीवी ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाली। तो दोस्तों, पीवी ने ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। तो कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, सिलेबस क्या होगा, 12वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12वीं पास वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप 5 में कौन कौन से पद होते हैं और क्या ये पूरे भारत के लिए वैकेंसी होती है या सिर्फ एमपी वाले स्टूडेंट इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट कौन कौन से पद है, मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं ये नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दूँ, उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमेशा की तरह प्यार दिखाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी मैं आपको नीचे दे दूँगा, वहाँ से फ्री नोट्स पाने के लिए जरूर ऐड हो जाइएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, स्टीवर्ड एवं अन्य पदों की भर्ती है, तो संयुक्त भर्ती परीक्षा है। अब दोस्तों, यहां पे ये तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आप लोगों के मन में डाउट है, क्या 12वीं पास वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो जी हां दोस्तों, 12वीं पास वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 12वीं पास वाले इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आपको मैं ले चलता हूँ, ये पीईबी की वेबसाइट का नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि पहले से डला हुआ होता है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी पीडीएफ जाकर वहाँ से डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप 5 समूह दिया हुआ है, हायर सेकेंडरी 10+2 यानी कि थर्ड श्रेणी का ये जो भी वैकेंसी है, ये थर्ड श्रेणी के ग्रुप 3 के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, कौन कौन से पद है। वहाँ पे पीईबी ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया उसमें पूरे पद तो वो लिख नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉलम हो जाएगा। लेकिन इसमें ग्रुप 5 में कौन कौन से पद आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो लैब टेक्नीशियन, चिकित्सा सहायक, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, नर्स, स्टाफ नर्स, नर्स, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर, ड्रेसर, सहायक स्टीवर्ड, ईसी टेक्नीशियन, मॉडलर, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, एनएस, दाई और सभी अन्य प्रकार के समकक्ष सह चिकित्सा एवं संवर्ग के अन्य समकक्ष पद होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, देख सकते हैं उसका कुल अंक कितना होता है, 100 नंबर का इसका पेपर होता है दोस्तों। और जो सिलेबस है, समान हिंदी आती है, समान ज्ञान आता है, अंग्रेजी आती है, गणित, विज्ञान, अभिरुचि और तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न, यानी कि आप जिसमें से इसमें से किसी में से भरेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके भी प्रश्न आएंगे, और 100 नंबर का होता है पेपर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ जैसे मैं बता दूँ कि 12वीं पास में कौन कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं, जैसे शैक्षणिक अर्हता इसकी क्या होती है। तो दोस्तों, अभ्यर्थी के हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, ठीक है, यानी कि विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, मतलब आप अगर बायो से भी हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकेंगे, या फिर आप मैथ से पास किए हैं 12th तो भी आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन अगर कॉमर्स आर्ट्स से हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास संबंधित पद के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र या डिप्लोमा हो, यानी कि कुछ पद ऐसे होंगे जैसे स्टाफ नर्स, आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते सिर्फ 12वीं पास हैं, तो आपके पास उसके पास नर्सिंग होना चाहिए या फार्मासिस्ट होना चाहिए या बी फार्मा या डी फार्मा किए होने पर चाहिए, तो आप उसके पद भर सकेंगे। लेकिन जैसे कुछ पद होते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे लैब अटेंडेंट होता है, ठीक है, लैब असिस्टेंट होता है, ये सारे जो पोस्ट होते हैं, दाई हो गई, ठीक है, ये सारे पोस्ट जो आएंगे, इसकी वैकेंसी आएंगी दोस्तों इसमें ग्रुप 5 के अंतर्गत, उसमें क्या होता है कि आपसे सिर्फ 10+2 मांगा जाता है, यानी कि आप 12वीं पास है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। और दोस्तों, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा हो, आप इस पर मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर हाई भेज दीजिएगा और नोट्स के लिए, तो मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर ऐड कर दूंगा, और जितना जल्दी आप भेजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, या कमेंट में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ और आपको जानकारी देता हूँ जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं जो भी है। और ये दोस्तों पेपर में आ चुका है, तो आप मान के चलिए कि पीवी की वेबसाइट पर भी आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, एक और डाउट क्लियर कर दूं कि जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो दोस्तों दूसरे स्टेट के स्टूडेंट जो है वो ग्रुप डी और ग्रुप सी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मामा जी ने पहले ही कह दिया था। तो यहाँ पे जो पीएससी और एससी के स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए तो आप अनदर स्टेट से हैं तो आप एलिजिबल है, बट इसके पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, जहाँ तक 80 से 90% यही है। और जो ऑफिशियल जब रूल बुक जारी होगी तो उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको पूरी जानकारी देकर बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आवेदन पत्र भरने की आरंभ तिथि 10 तारीख है दोस्तों, देख सकते हैं, और यहाँ पे अंतिम तिथि 24 तारीख है, और यहाँ पे संशोधन
करने के जो तारीख 29 तारीख है, यानी कुछ गलतियां हो जाती फॉर्म भरते समय, तो आप देख सकते हो। परीक्षा के दिनांक तो देखिए दोस्तों 16 से 27 दिसंबर है दोस्तों, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों, यहां पे फॉर्म भरने को 500 और 250 रुपये STSC OBC के लिए, बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन ही होती है। आप बस पोस्ट की जानकारी देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, ठीक है। और ग्रुप 5 में जो मैंने पोस्ट बताई वही उन्हीं में से पोस्ट आएंगी, उसके अलावा कोई और पोस्ट नहीं आएगी। और यहाँ पे कौन कौन सी आप लोगों की जानकारी बच गई दोस्तों, मैंने बता दिया कि इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, सिलेबस क्या होता है ये भी बता दिया, 12वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं हाँ बता दिया मैंने, कौन कौन से पद होते हैं मैंने बता दिया, पूरे भारत के लिए वैकेंसी की नहीं है ये भी आपको बता दिया। तो यहाँ पे मैंने लगभग आपको सारी जानकारी दे दी, और कोई भी प्रकार का डाउट रह जाता तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, और नोट्स पाने के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।